श्रीमंत महाराज यशोधरा राज सिंधिया के विकास कार्यों पर पलीता लगाता ठेकेदार, लाडली लक्ष्मी पथ मार्ग पर भ्रष्टाचार, ठेकेदार के द्वारा जंग लगा सरिया किया जा रहा इस्तेमाल, वार्ड नंबर 37 में भी किया जा रहा घटिया निर्माण, शिवपुरी विधायक एवं खेल मंत्री के सपनों पर लगा रहा ठेकेदार पलीता, एस्टीमेट बदलने की फिराक में जिम्मेदार अधिकारी। शिवपुरी के लाटली लक्ष्मी पथ मार्ग ठंडी सड़क पर सड़क का निर्माण कार्य जारी है, जिसके चलते ठेकेदार द्वारा काम गुणवत्ता से नहीं किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा एस्टीमेट के हिसाब से भी काम नहीं किया जा रहा है, साथ ही नाली सहित पेवर्स में भी धांधली की जा रही है। जानकारी के अनुसार पार्षद ओम प्रकाश जैन ने बताया कि ठंडी सड़क पर जो सड़क डाली जा रही है उसमें ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, साथ ही नाली की चौड़ाई भी अत्यधिक है और पेवर्स में भी नहीं लगाए जा रहे हैं। पेवर्स की जगह सीसी करा दी गई है, नालियों के संबंध में भी धांधली की जा रही है। इसकी मौखिक शिकायत पार्षद द्वारा ठेकेदार से की गई है। पार्षद ने बताया कि शिवपुरी विधायक माननीय यशोधरा राजे सिंधिया के विकास कार्यों पर ठेकेदार द्वारा पलीता लगाया जा रहा है। ठेकेदार के मनमानी के चलते कार्यों में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पार्षद ने आरोप लगाते हुए बताया कि ठेकेदार के पेमेंट भी हो जाते हैं, जबकि धरातल पर आकर देखा जाए तो उसमें गुणवत्ता सहित कई खामियां नजर आएंगी। ठेकेदार के द्वारा सड़क निर्माण कार्य में जंग लगा सरिया इस्तेमाल किया गया है। ठेकेदार द्वारा पूर्व में भी रोड घोटाला किया जा चुका है। नगरपालिका के इंजीनियर सहित कई अधिकारी सड़क के एस्टीमेट को बदलने की कवायद में भी लगे हैं। शहर के वार्ड नंबर 37 से द्वारिकापुरी में इसी ठेकेदार द्वारा रोड डाली की जा रही है, जिसकी शिकायत वार्ड बॉसी पार्षद सहित जिम्मेदार अधिकारी से कर रहे हैं। ठेकेदार है वो, कौन है इसका? ठेकेदारी है और पेमेंट उसके हो ही जाते हैं। पेमेंट हो ही जाते हैं? हाँ। कैसे करवा लेते हैं पेमेंट? जी तो वो ही आना, उसमें क्या है अभी? अभी 2.5-3 करोड़ की पेमेंट थे, हो गए पुराने रुके हुए। तो आपको लग रहा है कि उसमें कोई किसी बड़े नेता का या कहीं आते? मुझे इतनी तो जानकारी नहीं है। वार्ड नंबर 30 में आप पार्षद के पद पे हो और ठंडी सड़क का निर्माण किया जा रहा है, उसमें क्या क्या आपको कमियां और क्या क्या कैसा लगा? जो एस्टीमेट है उसके हिसाब से कार्य नहीं हो रहा। जो नाली बनना था 1x1 की, उसको मना भी किया और झाके निवासी को नहीं मना किया, इसको इतनी बड़ी नाली बनाने की जरूरत नहीं है, तो खुदाई ज़्यादा कर दी। 2 फुट की नाली 2x2 की बना दी, 2.5 या 1.5 ऐसी नाली बनी है, उससे लोगों को रोष भी है। और नाले कुछ तरफ बाउंड्री तरफ वहाँ 1 मीटर का ऐसी जरूरत थी, 5 मीटर की, 1 मीटर में पेपर्स थे, 6 मीटर की रोड थी ऐसी, तो वहाँ पेपर्स लगाते हुए सीसी कर दी। और गुणवत्ता पे भी सोशल मीडिया पे काफी सवाल उठ रहे हैं, उस बारे में आपका क्या कहना है? जिन लोगों ने देखा होगा बीपी वाला, तो गुणवत्ता हल्की है तो सवाल उठ रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में, कि आपने वहाँ पे मौके पे जाके देखा? मौके पे जाकर देखा, सीओ में सबसे बात हुई तो उन्होंने कही मैं इसके कोर कटिंग करके जांच कर पाऊंगा। उस रोड का नाम लाली लक्ष्मी पथ रखा गया है, तो क्या वो उसी तरह से काम हो रहा है वहाँ पे? नहीं, ऐसा लगता है उस तरह से काम नहीं हुआ। अच्छा, तो ना अधिकारी उससे चिंतित हैं, क्योंकि जो अधिकारी है, जो इंजीनियर हैं, वो भी कहीं ना कहीं व्यभीत हैं। तो आगे आप क्या करने वाले हो? आपके बारे में सीओ को बताया, माननीय अध्यक्ष को भी बता दिया, और जो तो यहाँ विधायक जो मंत्री हैं वो भी इस रोड को अच्छा बनाना चाहती हैं, उसके बाद भी काम अच्छा नहीं हो रहा। काम 7 दिन से काम रोक दिया उसने इसको। आप अंगन में लोगों को, जो निवासी है इस रोड के, उनको बहुत तकलीफ हो रही है।